तुम तो भाई जानती हो बॉय अपने 7 पावर्स को यूज करने के बाद कितना पावरफुल हो जाता है। उसके ऊपर से जब उसके फ्रेंड्स उसको अपने अपने पावर से हेल्प करता है मिसेस पे, तब भाई का टीम और भी खतरनाक बन जाता है किसी भी विलेन के लिए। पर भाई आज हम लोग बॉय का टीम का कुछ ऐसे फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो भाई बॉय और बॉय का टीम का पसीना बहला दिया था। तो आज हम लोग बॉय के सबसे बड़े कुछ बैटल्स के बारे में बात करेंगे। तो वाला शुरू करते हैं फाइनल बैटल ऑफ बॉय वर्सेस स्पेस पायरेट। तो वाला ये वाला बैटल हुआ था बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में, जब भाई टापोस का कमांडर मींस कोकोच के टेंपरेरी स्पेरा को स्पेस पायरेट कैप्चर करने का कोशिश किया था। तब भाई बॉय का टीम काफी ज्यादा हेल्प किया था मोटरबोट को रेस्क्यू करके स्पेस पायरेट की टीम को हराने का। पर भाई पहली बार हरा नहीं पाया था, पर भाई सेकंड टाइम बॉय की टीम ने काफी अच्छा टक कर दिया था स्पेस माफिया को, जो भाई खास को स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, पर भाई उसके चमचे भाई काफी स्ट्रॉन्ग थे और भाई एक के बाद एक बॉय टीम के ऊपर हमला कर रहे थे। इसलिए पहले बॉय टीम को भाई काफी दिक्कत हुआ था उसे हराने के लिए, स्पेशली भाई बॉय और याया को, क्योंकि पहले वो लोग भाई ज्यादा हमला किए थे उन लोगों के ऊपर। एट द लास्ट बॉय अपने लीफ फायर के लेवल 1 को यूज करके उसे भाई पत्तियों के जरों से बांध लेता है, जिससे भाई उसे और भागने का मौका ही नहीं मिलता। और तो इसे भी भाई डिस्ट्रॉय करने में बॉय की टीम का भाई पसीना पसीना हो गया था भाई, जो भी कहो। बॉय की टीम वर्सेस काइजो। अमाटो के आदेश से टापोस का कैप्टन और स्पाई काइजो आता है बॉय की टीम का काबिलियत परखने के लिए। तभी भाई बॉय की टीम प्रूफ करता है वो लोग एक लूजर है, वो लोग भाई हार जाता है। पर भाई नेक्स्ट टाइम जब वो लोग स्पेस में जाता है यूज के मैदान पे, तब भाई काफी अच्छा टक्कर दे पाते हैं फैंग के बड़े भैया काइजो को। टक्कर देने के दौरान भाई बॉय की टीम का भाई पूरा पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि काइजो था एक एक्सपीरियंस वाला स्पाई जो भाई टापोस में काम करता है। पर उधर पे बॉय का टीम था एक सिंपल सा हीरो जो भाई कुछ दिन पहले ही पावर्स को यूज करना सीखा है और कमजोर बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए भाई काइजो को हराना काफी मुश्किल था। पर भाई कैसे भी करके बॉय हरा दिया था अपने बड़े टीम के साथ और प्रूफ कर दिया था कि वो लोग काबिल है पावर्स को यूज करने का। बॉय वर्सेस बुरारा। तो भाई ऑटोबॉट को कैप्चर करने के और डिस्ट्रॉय करने के बदला लेने के लिए भाई बॉय की टीम को काफी पसीना बहाना पड़ा था, जहां पे थे कुछ अनएक्सपीरियंस्ड बच्चे भाई कुछ दिन पहले ही पावर्स को यूज करना सीखे है, और एक तरफ था बुरारा द पावर्स पेरा हंटर ग्राकुस का बच्चा। इसे हराने के लिए भाई बॉय को भाई काफी रोटी बेलना पड़ा था, क्योंकि भाई लोग बॉय को भाई अपने 7 पावर्स को यूज कर लिया था एक ही बार में लेवल 2 में एकदम हाई एनर्जी पे, वो भी स्प्लिट होके। इसलिए भाई लोग बॉय काफी महीनों के लिए वीक हो गया था और बॉय को भाई काफी दर्द भी सहन करना पड़ा था, क्योंकि भाई लोग तब बॉय काबिल नहीं था 7 पावर्स के लेवल 2 को एकदम हाई एनर्जी पे स्प्लिट होके यूज करने के लिए। इसलिए भाई लोग बॉय का वॉच भी काबिल नहीं था इन सबको संभालने के लिए। इसलिए भाई लोग बॉय का शरीर और वॉच दोनों ही भाई पूरा बर्बाद हो गया था, स्पेशली भाई वॉच भाई पूरा ही बर्बाद हो गया था। इसे भाई फिर से अपग्रेड करना पड़ा था बॉय को। ये भाई बॉय के टीम के लिए एक पसीना पसीना नहीं खून खराबे का युद्ध था। तो जो भी हो उसके बाद बॉय का टीम वर्सेस कैप्टन वार्गोबा, जो भाई बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में अटैक किया था एकदम एंडिंग में सनोवा स्टेशन और टापोस के ऊपर, और उसे भाई बॉय रोकने के लिए अपने टीम के साथ काफी सारे रोटी बेला था। पर भाई एट द एंड भाई बॉय काफी पसीना फैलाया, बॉय का टीम ने भी काफी मेहनत किया और पसीना बहलाया, पर भाई एट द एंड बॉय को अपने सबसे खतरनाक पावर लाइट पार का लेवल 1 यूज करना ही पड़ा वार्गोबा को हराने के लिए। पर उसके बाद भी बॉय डिफीट कर नहीं पाया, बॉय को अंतरिक्ष में फेंक दिया गया वार्गोबा के द्वारा। उसके बाद भाई एक तारे के रोशनी से बॉय के लाइट पार का लेवल 2 एक्टिव होता है मींस सोलर, और बॉय सोलर में ट्रांसफॉर्म होके वार्गोबा को डिफीट कर देता है कैसे भी करके। पसीना भागे बॉय वही शरीर से झेल नहीं पाता, बॉय वही चला जाता है गोमा पे, ये भाई अलग ही लेवल का था। तो उसके बाद भाई बॉय के टीम और टापोस वर्सेस रत्ता का, भाई तुम तो भाई जानते हो राजा राजा ही होता है भाई, राजा को हराने के लिए पूरे साम्राज्य को आना पड़ता है। वैसे भाई लोग रत्ता को डिफीट करने के वक्त पूरे आधे तापस ही भाई डिफीट हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद ही भाई पूरे तापस मिलके पसीना बहाने के बाद बॉय का ट्रेनिंग के पसीना बहाने के बाद एट द लास्ट हंकासा मींस बॉय के गुरु को मरते हुए देखने के बाद एट द लास्ट बॉय अपने फ्यूजन करके अपने दोस्तों के साथ मिलके रत्ता को डिस्ट्रॉय कर देता है कैसे भी करके, पर हंकासा भी जिंदा रहता है। हाँ। कभी भूलो मत भाई, प्राचीन 7 एलिमेंटल मास्टरों में से सबसे पावरफुल था रत्ता का। उसे भाई हराने के लिए सिर्फ पसीना ही नहीं खून को भी बहाना पड़ता है, जो भाई बॉय की टीम ने बहाया था बहलाया था भाई काफी ज्यादा। तो भाई वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे एंड, और भाई इस वीडियो में अगर 150 लाइक करते हो तो भाई मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी ले आऊंगा। तो भाई लोग बाय।